अस्सलाम वालेकुम और ReviewsPK में खुश आमदीद। मेरा नाम अमीर है। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले ही एप्पल का कीनोट खत्म हुआ, जहां पर उन्होंने बहुत सारे एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स अनाउंस किए हैं। एक नई एप्पल वॉच अनाउंस की है, जिसमें एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले डाला गया है इस बार, जो कि लो पावर कंजम्पशन डिस्प्ले होगा, साथ ही साथ उसके अंदर एक कंपास भी होगा। इसके साथ साथ एप्पल ने कुछ न्यू सर्विसेज भी अनाउंस की हैं, जैसे कि एप्पल टीवी प्लस, जो कि नेटफ्लिक्स के साथ कम्पीट करेगा, और एप्पल आर्केड, जिसमें जाके आप तरह तरह की गेम्स अपने एप्पल डिवाइसेज पे डाउनलोड कर सकेंगे। साथ ही साथ एप्पल ने एक नया एंट्री लेवल iPad भी अनाउंस किया है, जिसमें कुछ अपडेटेड इंटरनल्स हैं, अपडेटेड प्रोसेसर डाला गया है, और एप्पल एक बिगिनर iPad यूजर मार्केट को कैपिटलाइज करना चाह रहा है। लेकिन जो सबसे एक्साइटिंग डेवलपमेंट है एप्पल के सारे कीनोट में से, वो है कि एप्पल ने आज 3 नए iPhones अनाउंस किए हैं, iPhone 11, iPhone 11 Pro और iPhone 11 Pro Max। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, हम बात कर रहे हैं एप्पल के नए iPhones की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, और हम अब इंस्टाग्राम पे भी हैं, तो reviews_pk को फॉलो करें। दोस्तों, पिछले साल की तरह इस साल भी एप्पल ने एक एंट्री लेवल iPhone अनाउंस किया है, और साथ में कुछ ज्यादा प्रीमियम किस्म के डिवाइसेज अनाउंस किए हैं। तो शुरू करते हैं iPhone 11 से। iPhone 11 बेसिकली पिछले साल के iPhone 10R का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। पिछले साल के iPhone 10R के मुकाबले में इस बार जो सबसे बड़े डिफरेंसेस iPhone 11 में डाले गए हैं, वो हैं एक अपडेटेड प्रोसेसर। तो इस बार एप्पल ने iPhone 11 में अपना अपडेटेड A13 बायोनिक चिप डाला है, जो कि बेसिकली अगेन एक इंडस्ट्री लीडिंग चिप होगा। जैसा कि आप जानते हैं, एप्पल के प्रोसेसर्स एंड्रॉइड स्पेस में जो प्रोसेसर्स हैं उनसे तकरीबन 1-2 जनरेशन आगे हैं, और इस बार भी एप्पल ने अपनी वो लीड को कायम रखा है। और साथ ही साथ iPhone 11 में एक ड्यूल कैमरा सेटअप डाला गया है, जिसमें 2 12 मेगापिक्सल के सेंसर्स हैं, एक वाइड एंगल लेंस है और एक अल्ट्रा वाइड लेंस है। तो पूरे कीनोट में ज्यादातर बात एप्पल वालों की तरफ से इसके कैमरा के ऊपर ही हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि इसमें कुछ नए मोड्स डाले गए हैं। एक नाइट मोड डाला गया है, साथ में क्विक वीडियो मोड डाला गया है, जिसमें आप पिक्चर्स खींचते हुए भी अगर लॉन्ग प्रेस करें बटन को तो वीडियो रिकॉर्ड होगी। और साथ में एक नया फीचर है स्लो फीज, यानी कि स्लो मोशन सेल्फीज। आप iPhone 11 को iPhone 10R के ऊपर एक इंक्रीमेंटल अपग्रेड ही समझें। बैटरी में भी कुछ इंप्रूवमेंट्स की बात की गई है, जिसमें iPhone 10R के ऊपर iPhone 11 की बैटरी तकरीबन 1 घंटा ज्यादा चलेगी। एप्पल ने अपनी रिवायत के मुताबिक हमें नहीं बताया कि बैटरी की साइज क्या है। तो दोस्तों, अगर प्राइस की बात की जाए तो iPhone 11 की स्टार्टिंग प्राइस $699 होगी, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान में आपको ये फोन OnePlus 7 Pro के आसपास की प्राइस का मिलेगा, यानी कि 135,000 140,000 के आसपास का होना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कीनोट के मेन हिस्से की, यानी कि iPhone 11 Pro और 11 Pro Max। तो दोस्तों, पिछली बार के 10S और 10S Max की तरह इस बार iPhone 11 Pro और 11 Pro Max को लॉन्च किया गया है। 11 Pro की स्क्रीन साइज 5.8 इंचेस है, जबकि 11 Pro Max की स्क्रीन साइज 6.5 इंचेस है। और इस बार दोनों फोन्स के डिस्प्ले में भी कुछ इंप्रूवमेंट्स की गई हैं, जिसकी वजह से एप्पल इसको सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले कह रहे हैं, क्योंकि इसमें एप्पल ने कुछ एक्सटेंडेड डायनामिक रेंज के भी फंक्शंस डाले हैं। साथ ही साथ अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए, तो इस बार सबसे जो बड़ा फर्क है वो ये है कि बैक ग्लास मैट फिनिश की है, जबकि पिछले साल हमने देखा था कि ग्लॉसी फिनिश थी। और मुझे पर्सनली मैट फिनिश बहुत ज्यादा पसंद है, हमने ऐसी मैट ग्लास फिनिश OnePlus 7 Pro में भी देखी है और वो मुझे बहुत ही पसंद आई थी। तो मैं काफी इंटरेस्टेड हूं देखने के लिए कि ये iPhone 11 Pro कैसा होगा दिखने में। मेरे हिसाब से बहुत ही खूबसूरत होगा। इसके साथ साथ कुछ नए कलर्स भी डाले गए हैं, तो पिछले बार की तरह व्हाइट, स्पेस ग्रे और गोल्ड के साथ साथ इस बार एक मिडनाइट ग्रीन भी डाला गया है, जो मिंटी ग्रीन टाइप का कलर है। मुझे लगता है मिडनाइट ग्रीन बहुत ही पॉपुलर कलर होगा, लेकिन स्पेस ग्रे मुझे दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके साथ साथ एप्पल ने जो बड़े फर्क बताए हैं, वो अगेन उनने A13 बायोनिक का बताया, जिसमें इनने काफी हमें लंबी एक्सप्लेनेशन दी कि कैसे उसमें इनने मशीन लर्निंग को बहुत इंप्रूव किया है, और साथ ही साथ पावर मैनेजमेंट बहुत ही इंप्रूव की है। तो A13 बायोनिक एक बहुत ही पावर एफिशिएंट चिप है। सो मच सो कि अगर बैटरी लाइफ की बात की जाए, तो iPhone 11 Pro की बैटरी iPhone 10S से तकरीबन 4 घंटे ज्यादा बताई जा रही है, जबकि 11 Pro Max की 10S Max से तकरीबन 5 घंटे ज्यादा बैटरी लाइफ बताई जा रही है। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं ये टेस्ट करने के लिए, तो यकीनन जब ये फोन इधर आएगा तो हम इसकी बैटरी लाइफ टेस्ट करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक बड़ा सेलिंग पॉइंट बन सकता है एप्पल के आईफोन के लिए, अगर उसकी बैटरी लाइफ बहुत ही उम्दा हुई, जैसे हमने एप्पल के पहले 6S Plus और 7 Plus और 8 Plus में देखी थी। अगर उस टाइप की एक्सटेंडेड बैटरी लाइफ होगी तो ये इसके लिए एक बड़ा सेलिंग पॉइंट हो सकता है। साथ ही साथ iPhone 11 Pro और 11 Pro Max में जो बहुत ही बड़ा अपग्रेड है, वो है इसके ट्रिपल कैमरा सेटअप में, यानी कि इस बार 3 12 मेगापिक्सल के सेंसर्स हैं, जिन पे एक वाइड एंगल लेंस है, एक अल्ट्रा वाइड लेंस है और एक टेलीफोटो लेंस है। और इससे आपको फायदा ये होगा कि आपको 2x ऑप्टिकल जूम आगे भी मिल रहा है और 2x ऑप्टिकल जूम आउट भी मिल रहा है, यानी कि iPhone 11 और 11 Pro में आपको 4 times ऑप्टिकल जूम मिल रहा है। और एप्पल
نے بہت زیادہ کی نوٹ کا اپنا حصہ اس کے کیمرہ کی سپیریورٹی کی بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کا نام پرو رکھا ہے تو لہٰذا اس کے فیچرز بھی بہت پرو ہیں, اور انہوں نے اس کے کیمرہ کو ایک پرو لیول کیمرہ کی طرح مارکیٹ کیا ہے. آبویسلی جب فون ہاتھ میں آئے گا تبھی بتا سکیں گے کہ یہ کتنے اچھے کیمراز ہیں. ان ریالٹی میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ون آف دا بیسٹ کیمراز ہوگا, ڈیفینیٹلی ون آف دا ٹاپ 3 تو ہوگا ہی ہوگا. ایپل کی پہچان ہے کہ بہت اچھے کیمراز بناتے ہیں, خاص کر ویڈیو کے لیے. اگر پرائز کی بات کی جائے تو آئی فون 11 پرو کی پرائز $999 ہے, جبکہ آئی فون 11 پرو میکس کی پرائز $1099 ہے. اگر پاکستان میں بات کی جائے تو آئی فون 11 پرو کی سٹارٹنگ ہوگی میرے حساب سے تقریباً 2 لاکھ کے آس پاس, اور اگر 11 پرو میکس کی بات کی جائے تو مجھے لگتا ہے 2,25,000 سے 2,30,000. پرائز پہ کلیئرٹی آئے گی نیکسٹ فیو ڈیز میں جب ذرا ڈیلرز اور سے کچھ بات ہو. اور اگر ڈلیوری کی بات کی جائے تو انٹرنیشنلی September 20th سے آئی فون 11 پرو اور 11 پرو میکس مارکیٹ میں آنا شروع ہو جائیں گے, جس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں 1-2-4 دن بعد آ جائیں گے. عموماً 1-2 دن میں پاکستان میں پہنچ جاتے ہیں. ان اینی کیس جیسے آئی فون ادھر آتا ہے ہماری پوری کوشش ہے کہ آپ کے لیے ایک ان باکسنگ اور ریویو جلد از جلد لایا جائے. تو دوستوں یہ تھی ہماری ایپل کی نوٹ پہ اپ ڈیٹ. اس ویڈیو میں اتنا ہی. آئی فون 11, 11 پرو اور 11 پرو میکس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا. ویڈیو پہ لائک دینا نہ بھولیے گا اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.